हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एलटीए माइंडट्री के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं सितंबर 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एलटीए माइंडट्री में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में हमें देखने मिला है 2.12% का पॉजिटिव मूव। 5303.35 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाले, उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है हम क्योंकि सितंबर मंथ का जो एनालाइज करें तो यहाँ पे कोई भी हम इंट्राडे वाइज का जो यहाँ पे कोई एनालाइज नहीं करेंगे। सितंबर मंथ में जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस आपको मार्क करके देंगे और हमें क्या लगता है किस रेंज में स्टॉक जो है किस साइड में स्टॉक जो है क्लोज हो सकता है सितंबर के मंथ में, उसको वहां पे भी आपको जो है रेंज आपको देंगे। तो चलिए यहां पे देखते हैं सबसे पहले लास्ट मंथ में स्टॉक ने जो है किस तरह का परफॉर्मेंस दिया। तो यहां पे आप देख सकते हैं वन मंथ के परफॉर्मेंस में अगर देखें तो 6.60% का एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस हमें देखने मिला है। टेक्निकल्स भी यहां पे जो है स्ट्रॉन्ग बाय का इंडिकेशन देते हैं लेकिन कई और फैक्टर्स होते हैं उसे भी कंसिडर करना चाहिए। तो चलिए जाते हैं सबसे पहले मंथली के चार्ट पे, देखते हैं किस तरह का वॉल्यूम और किस तरह की कैंडल हमें देखने मिली है। तो ये रहा हमारा मंथली का चार्ट। मंथली के चार्ट पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एवरेज से हम जो है हमें वॉल्यूम जो देखने मिला, कैंडल भी यहाँ पे मीडियम साइज की बनी है, दोनों के साइड में बारीक बारीक विक हमें देखने मिल रही है। आरएसआई हमारा 56-57 के आसपास आ चुका है जो स्लाइट एक नेगेटिव मूवमेंट का इशारा देता है लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आरएसआई इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, यहाँ पे आने वाले दिनों के लिए मेरा ओपिनियन यहाँ पे मैं वन डे के चार्ट में जो है जाके बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वन डे का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। आरएसआई 6869 यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है ओवरबॉट के एरिया में जो है यहाँ पे पहुंचने आया है। बाकी यहाँ पे जो है मैं बात करता हूँ इसके मूवमेंट की, तो यहाँ पे ट्रेंड जो है फिलहाल पॉजिटिव चल रहा है। तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं वो यहाँ पे जो है हम बात नहीं करेंगे। फिलहाल यहाँ पे मेरा ओपिन आने वाले दिनों के लिए यहाँ पे क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ। मेरा ओपिन जरूर एक नेगेटिव मूव का, थोड़ा सा मूवमेंट जो नीचे के साइड में आते हुए देखने मिल सकता है, यानी कि कंसोलिडेशन है छोटा सा तो यहाँ पे हमें देखने मिल सकता है। 52-47 के आसपास हमें आते हुए देखने मिल सकता है। अगर उसको भी क्रॉस करते हुए गया तो मूवमेंट हमें जो 51-62 के आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी आपको क्या लगता है क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं वो तो यहाँ पे जो है हम एवरी डे जो इंट्रा डे वाइज का जो है यहाँ पे जब एनालाइज करें तब वहाँ पे आपको बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे अब जाते हैं हमारे वीकली के चार्ट पे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस में मार्क करके देता हूँ। यहाँ पे सितंबर के मंथ में क्या होने वाला है उस बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा हमारा वीकली का चार्ट। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन मैं पहले मार्क करके रख देता हूँ, बाकी फिर हम बात करेंगे इसके यहाँ पे मूवमेंट की किस रेंज में हमें स्टॉक जो क्लोज होते देखने मिल सकता है। अगर आप चाहे तो सेम टू सेम आप भी जो अपने चार्ट पे मार्किंग्स कर सकते हैं क्योंकि ये मार्किंग्स जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस जो खास करके मेंटेन करने में। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो मार्किंग हमारी हो चुकी है, जूम करके मैं बात करता हूँ क्लोजिंग की। 5303 पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 5128 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 5428 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे हमने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट सपोर्ट का अगला सपोर्ट आता है 4829 का, उसके बाद 4545 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 5682 का, उसके बाद 6026 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताया है जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जब अपना यहाँ पे कल के दिन का यानी कि इस मंथ का जो है यहाँ पे ट्रेड ले। मेरा ओपिनियन इस मंथ में यहाँ पे क्लोजिंग का जो है किस रेंज में है वो मैं आपको बता दूँ। तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक नेगेटिव क्लोजिंग का लेकिन नो ट्रेडिंग जोन में एक्सपेक्टेड, थोड़ा सा हमें ऊपर के साइड में मूव आते हुए देखना मिल सकता है फिर रिवर्सल में स्टॉक जो है हमें
5128 से 5428 के रेंज में हमें क्लोज जो है देते हुए दिखने मिल सकता है, यानी कि इस रेंज में, एक छोटे से रेंज में जो यहाँ पे हमारा स्टॉक जो है वो रह सकता है। बाकी यहाँ पे वॉल्यूम जब इंक्रीज हुआ तो स्टॉक नीचे के साइड में आ सकता है, लेकिन ओवरऑल एक नेगेटिव क्लोजिंग मैं यहाँ पे जो है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सितंबर के मंथ में थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें क्लोजिंग जो है वो दे अगेंस्ट अगस्त के यहाँ पे परफॉर्मेंस में। यहाँ पे आपको क्या लगता है क्या हो सकता है सितंबर में, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।